गंगा दशहरा के पावन पर्व पर नमी गंगे की टीम ने आज माँ गंगा की आरती कर पूजा पाठ किया। दशाश्वमेध घाट पर नमी गंगे के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में नमी गंगे की टीम ने माँ गंगा की विधि विधान से आरती की। इस अवसर पर राजेश शुक्ला ने कहा कि आज माँ गंगा का अवतरण हुआ था, आज ही के दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई। इस अवसर पर हम लोगों ने माँ गंगा की विधि विधान से पूजन किया। साथ ही नमी गंगे के संयोजक ने लोगों से गंगा घाटों को साफ रखने की भी अपील किया। राजेश शुक्ला, संयोजक नमामि गंगे। आज गंगा दशहरा महाकल्याणकारी पर्व है और ऐसी पौराणिक मान्यता है कि आज के ही दिन माँ गंगा पृथ्वी पर स्वर्ग से आई थी और तब से लेकर आज तक माँ गंगा पृथ्वीवासियों को निरंतर सुख, शांति, मुक्ति, आजीविका और आनंद प्रदान कर रही हैं। आज हम लोगों ने गंगा के तट पर माँ गंगा से आराधना की है, दुग्धाभिषेक किया, आरती किया और शपथ भी लिया कि हे माँ गंगा, आप निर्मल हों, अविरल हों और इसी तरह भारतवासियों को समृद्धि प्रदान करती रहें और साथ ही इस कोरोना रूपी महामारी से जड़मूल का विनाश हो, हम निरंतर नित नई तरक्की करते रहें और भारत में सामंजस्य बनाकर आत्मनिर्भर भारत की ओर हम बढ़ते रहें, यह कामना है माँ गंगा से। और साथ ही हम यह भी कामना करते हैं कि ICC टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को हरा करके विजयी हो, यह भी हम माँ गंगा से कामना करते हैं। आज नमामि गंगे का सदस्य है, अब नियम कानून इतना धज्जिया उड़ी है, आज क्या इसका है? कोई नियम कानून की धज्जिया कुछ नहीं उड़ी है और गंगा तट पर हम लोगों ने पूरी मास्क पहन करके और पूरी गाइडलाइन का पालन करके, चूँकि हम लोग रोजाना यह गंगा आरती करते हैं और गंगा दशहरा का पावन पर्व है, ऐसे में काशी वासियों के लिए तो गंगा मैया सब कुछ हैं। काशी वासियों की तरफ से हम लोगों ने पूरी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क पहन करके माँ गंगा की आरती की है।